वेलकम स्टूडेंट बाल गोविंदम ई-लर्निंग ऐप क्लास थर्ड लेसन नंबर फोर मोर ऑन एमएस पेंट एमएस पेंट स्ट्रेंथ फॉर माइक्रोसॉफ्ट पेंट इट इज अ पार्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस पेंट किसका पार्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का और यही स्ट्रेंड करता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट के नाम से इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी प्रोग्राम ये बहुत ही ईजी एंड सिंपल प्रोग्राम है वी कैन यूज़ दिस प्रोग्राम फॉर ड्राॅइंग एंड कलरिंग जिसका यूज़ हम ड्राॅइंग एंड कलरिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन दिस प्रीवियस क्लासेज वी हैव ऑलरेडी वर्कड विद द वेरियस टूल्स वेरियस टूल्स का हमने यूज़ किया है प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने रीड आउट किया है एंड शेप्स ऑफ एम एस पेंट लेट्स क्विकली रिवाइज दैम

उसमें कलर फिल करने के लिए कलर पिकर टूल इट्स टू पिक कलर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पिक्चर्स पिक करने के लिए पिक्चर्स के को बड़ा करने के लिए जिससे हम उसको अच्छे से शो कर सकें इसके लिए मैग्निफायर टूल का हम यूज करते हैं ब्रश टूल इट हेल्प्स टू ड्रॉ पिक्चर्स विद ब्रश टूल इस ब्रश टूल में भी हमारे पास बहुत सारे ब्रश अवेलेबल रहते हैं जिसमें अलग अलग शेड्स जिसमें कि कुछ थिक होता है कुछ ज़्यादा ही स्पाकी होता है पेंसिल के अकॉर्डिंग होता है अलग अलग ब्रशज हमारे पास अवेलेबल रहते हैं एयर ब्रश टूल एयर ब्रश टूल वी यूज टू तो स्प्रे डिफरेंट कलर्स तो मतलब इसमें हमें स्प्रे के अकॉर्डिंग कलर होता है हमारे जो अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर में अवेलेबल रहते हैं टेक्स्ट टूल इट हेल्प्स अस टू राइट टेक्स्ट टेक्स टूल का यूज हम टेक्स को राइट करने के लिए करते हैं टेक्स मीन हम हमें जो वर्ड्स हमें प्रिंट करने हैं उसको हम टेक्स के रूप में जानते हैं लाइन टूल वी ड्रॉ स्ट्रेट स्ट्रेट विद दिस टूल टूल लाइन का यूज़ हम को करने के लिए इसका यूज करते हैं रेक्टेंगल टूल वी ड्रॉ और रेक्टेंगल्स एंड स्कर्स विद दिस टूल ओवल टूल वी ड्रॉ ओवल्स एंड सर्कल्स विद दिस टूल लेट्स मूव अहेड टू नो मोर अबाउट MS paint. अब हम आगे बढ़ते हैं MS paint को और जानने के लिए कि क्या क्या है फर्स्टली हम देखते हैं व्यू टैप. व्यू टैप में मतलब जूमिंग का जो जूम इन जूम आउट करके हम उस फीचर्स का विंडोज सेवन में इम्प्रूवमेंट हुआ है क्लिक ऑन द व्यू टैप

दिस कैन बी यूज अलोन दिस कैन भी अलोन यूजड मतलब अकेले इनका यूज नहीं और इन कंजेक्शन विद द जूम टूल ऑन द रिबन और स्लाइडर ऑन द स्टेटस बान जूम इन जूम आउट टूल कैन बी क्लिक रेपिटेडली टू गेट क्लोज और मोर डिटेंस डिस्टेंट व्यू मतलब जूम इन मीन्स आप उसको छोटा करके देख सकते हैं जूम आउट मीन्स उसको बड़ा करके देख सकते हैं क्लोज हो सकता है जूम आउट करेंगे तो क्लोज हो जाएगा डिस्टेंट करेंगे तो आप उसपे डिस्टेंस हो जाएगा द हंड्रेड परसेंट ऑप्शन कैन हैंडली हैंडी वैन विद फिनिश वर्किंग अ जूम्ड इन व्यू वन क्लिक वी आर बैक टू नॉर्मल हंड्रेड परसेंट आप ऑप्शन करेंगे तो क्या होगा कि वो सारा हमें क्लियरली एकदम जूम आउट हुआ दिखाई देगा ऑन द शो और हाइड पार्ट दिस ऑन दिस स्टेप

शेप्स वगैरह में हमें कुछ डिजाइन करना हो देन हमें ग्रीन ग्रीड लाइन्स का यूज हम करते हैं जिससे वी यूज यूलर इफ़ वी लाइक और य, जो रूलर है स्केल का भी यूज उस हम उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं ऑन दिस ऑन ऑन द डिस्प्ले सेक्शन वी कैन क्लिक फुल स्क्रीन व्यू वी कैन गो वी कैन ऑल्सो गेट अ फुल स्क्रीन बाईट एफ एलेवन मतलब कि अगर हमें डिस्प्ले हमें फुल स्क्रीन व्यू शो करना है हमारा तो या तो हम क्या करेंगे की कीबोर्ड में से या माउस से क्लिक करेंगे या फिर हम क्या करेंगे इसकी शॉर्टकट की है हमारे पास अवेलेबल है एफ एलेवन इन अदर केसेस वी कैन वी कम बैक टू नॉर्मल व्यू बाई प्रेसिंग द एस्केप की वी कैन कम बैक मतलब नॉर्मल व्यू में हमें आने के लिए एस्केप की को प्रेस करना पड़ेगा थम्बल नेल्स इज ओनली अवेलेबल वेन वी आर जूमड इन अगर यो हमें तभी अवेलेबल रहेंगे जब हम जूम्ड इन रहेंगे मतलब कि हम साइज छोटा रहेगा It lets it lets see how changes we make affect our picture in a normal view. Zoom in and out. We use zoom in and zoom out to see a larger and smaller view. Our image, for example, we might be editing a small part to need to zoom in to see. The opposite might to be, uh, be true. द पिक्चर माई टू बी टू लार्स ऑन फिट ऑन द स्क्रीन सो वी नीडेड जूम आउट वी ऑल ऑफ इट इन देंट देर आर फ्यू डिफरेंट वेज जूम इन एंड जूम आउट डिपेंडिंग ऑन वॉट वॉन्ट यू डू मतलब आपको जूम इन और जूम आउट करना है जूम इन मीन्स हो जाएगा हमारा पिक्चर को बड़ा करना जूम आउट मीन्स जूम आउट कर देंगे तो हमारी पिक्चर क्या होगी नॉर्मल साइज में आ जाएगी स्टेप वन टू इंक्रीज द जूम लेवल ऑन द व्यू टैब अगर आपको व्यू टैब में जाके जूम का लेवल हमारे इंक्रीज करना है इन द ग्रुप इन द जूम ग्रुप क्लिक जूम इन तो आप क्या करेंगे जूम इन पे क्लिक करेंगे एंड टू जूम लेवल ऑन द दू टैप जूम ग्रुप क्लिक जूम आउट टू व्यू द पिक्चर्स द पैंट विंडो इज एक्चुअल साइज आप क्या देखेंगे कि, कि जो पैंट विंडो है वो एक्चुअल साइज में आ जाएगी ऑन द व्यू टैब इन जूमिंग ग्रुप क्लिक हंड्रेड परसेंट टू जूम इन एंड आउट अ पिक्चर वी कैन ऑल्सो क्लिक अम इन प्लस एंड माइनस पर हम बटन पर हम क्लिक करेंगे प्रेस करेंगे जूम स्लाइडर द बॉटम ऑफ द पैंड विंडो टू इंक्रीज और डिक्रीज अवल मतलब कि बॉटम ऑफ द स्क्रीन हमारे पास ये अवेलेबल रहता है जिससे हम डायरेक्टली इसको जूम इट और जूम आउट आउट कर सकते हैं फुल स्क्रीन वी यूज फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन वी यूज़ फुल स्क्रीन टू व्यू अ पिक्चर ऑन फुल स्क्रीन पिक्चर की व्यू को हमें फुल स्क्रीन में शो करने के लिए हमें क्या करना होगा स्टेप वन टू व्यू द पिक्चर ऑन द एंटायर स्क्रीन मतलब जो पिक्चर है वो हमारी पूरी एंटायर स्क्रीन पर हमें उसको शो करना है मतलब जो हमारी पूरी स्क्रीन है उस पर उसको शो करना है ऑन द व्यू टैब व्यू टैब में जाएंगे इन द डिस्प्ले ग्रुप डिस्प्ले ग्रुप में जाएंगे क्लिक फुल स्क्रीन और फुल स्क्रीन पे हम क्लिक कर देंगे स्टेप टू टू एग्जिट अ फुल स्क्रीन एंड गो बैक द पेंट विंडो बाय क्लिकिंग द पिक्चर हमें एग्जिट करने के लिए भी हम क्या करेंगे फुल स्क्रीन पे हम, हम, हम क्लिक करेंगे गो बैक टू पेंट विंडो एंड क्लिक द पिक्चर सेविंग अ ड्राइंग इफ वी वॉन्ट टू सी और यूज़ अ वर्क लेटर मतलब कि आज आप चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं कि कभी कभी अपना वर्क किया है और उसको बाद में देखना चाहते हैं उसको बाद में यूज़ करना चाहते हैं स्टोर कर सकते हैं स्टोरिंग दर्क इन कम्प्यूटर इज कोल्डिंग जो कंप्यूटर में वर्क सेव होता है उसको के नाम से जानते हैं दू से वर्क डन इन एम एस पेंट आर आर फर्स्ट क्लिक ऑन द पेंट मेन्यू टू चूज एंड सेव और सेव एज ऑप्शन सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपियर ऑन द स्क्रीन क्लिक ऑन द पेंट मेन्यू सबसे पहले हम पेंट मेन्यू के चूज करेंगे और उसमें क्या करेंगे हमें टाइप करना है चूज द लोकेशन ऑफ द फाइल सेव इन बॉक्स मतलब फाइल की लोकेशन को हमें चूज करना है कि हमारी फाइल कहाँ सेव होनी चाहिए द सेव इट बाई क्लिकिंग सेव बटन हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे द फाइल विल बी विद डॉट पी एन जी एक्सटेंशन नेम मतलब जो भी आपका एक्सटेंशन नेम होगा उसके साथ आपकी फाइल सेव हो जाएगी नेक्स्ट ऑलरेडी ड्रॉइंगटर यूज जो फाइल हमें एक बार सेव करते हैं उसको हम वापस से देखना चाहते हैं द वेरी स्टेप टू ऑपन से क्लिक द पेंट मेन्यू सबसे पहले पैंट पे हम क्लिक करेंगे चूज द ओपन ऑप्शन ओपन ऑप्शन को हम चूज करेंगे ओपन डायलॉग बॉक्स अपेयर ऑन द स्क्रीन ओपन डायलॉग बॉक्स अपियर हो जाएगा सेलेक्ट द नेम ऑफ द फाइल यू वॉन्ट टू ओपन आप फाइल का नाम सेलेक्ट करेंगे कि जो आपको फाइल ओपन करनी है देन क्लिक ऑन द ओपन बटन उसके बाद वो जो फाइल आ जाएगी बाहर हमें उसको हमें ओपन बटन पर डबल क्लिक करना है फाइल नेम ओपन इट द फाइल ओपन एंड इन पेंट विंडो वो फाइल क्या होगी हमारे सामने अपियर हो जाएगी एम एस पेंट विंडो में प्रिंटिंग एंड वी कैन प्रिंट अ मेड इन एम एस पेंट बाई फॉलोइंग चूज द प्रिंट ऑप्शन फर्स्टली हम प्रिंट मेन्यू में जाएंगे चूज करेंगे प्रिंट ऑप्शन को अ प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल अपियर ऑन द स्क्रीन प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा सेलेक्ट अ प्रिंटर फ्रॉम लिस्ट प्रिंटर हम लिस्ट में से प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई द नंबर ऑफ टू बी प्रिंटेड। हमें स्पेसिफाई करना होगा कि, कि, कि हमें कितनी कॉपीज हमारी प्रिंट करवानी है उसको हम स्पेसिफाई कर देंगे एक दो तीन जितनी भी हमें सेलेक्ट ऑल द राइट पेजेस नंबर इन द पेज रेंज सेक्शन पेज रेंज सेक्शन में आप नंबर्स लिख देंगे क्लिक द uh, प्रिंट बटन टू आउट्स आप प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे और प्रिंट आउट्स ले लेंगे